निर्जला एकादशी को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशियां आती है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी को माना जाता है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में विस्तार से बताए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी ही बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करना चाहिए। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरे करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।